दोस्तों आज हम जा रहे हैं जाकू मंदिर, हमारे साथ हमारी एक फ्रेंड भी है। क्या नाम है बताओ फ्रेंड अपना? नाम नहीं। इनके साथ गुरुजी का प्रैंक शूट हुआ है, तो प्रैंक शूट होने के बाद अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए जाकू मंदिर। हम बड़े टाइम से जाकू मंदिर नहीं गए थे, शिमला में होता हूँ वैसे मैं, तो अच्छा में जॉब करता हूँ आपको पता ही है। तो बहुत टाइम के बाद अभी हम जा रहे हैं जाकू मंदिर और गुरुजी ने प्रैंक भी शूट कर लिया, तो रास्ते में ये हमारे फ्रेंड भी बन गए। अभी आपको हनुमान जी के मंदिर के दर्शन भी कराते हैं। ये एशिया का सेकंड, मतलब सब सेकंड ही बोल सकते हैं क्या ये? फर्स्ट नंबर का सबसे ऊंचा स्टैचू है ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। और ये ऐसा है कि 108 फुट लंबा है हनुमान जी का स्टैचू, तो आपको दिखाते हैं। हमारे ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना। शाह जी ने इनके साथ किया था वो प्रैंक शूट। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो अभी हम बढ़ रहे हैं हनुमान मंदिर की तरफ। तो ये रास्ता है, ऊपर ये शटर लगा हुआ है। किस बंदे को अकल दो? आपको। उस्ताद जी को अकल दो, चुपा ब्लॉक को अकल दो। तो ये है हनुमान जी का मंदिर और यहाँ पे लोग फोटोग्राफी ले रहे हैं। ये ऊपर घड़े ट्री है, ये हनुमान जी का मंदिर। और ये साइड में पता नहीं क्या खड़े किए हुए इन्होंने। कमेंट में बताना क्या खड़े किए हैं ये, क्या होते हैं? बताना क्या खड़े किए हैं ये, क्या होते हैं? तो ये है बजरंग बली। रामलीला में चलते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हनुमान चालीसा लिखी हुई है रास्ते में। जब हम मंदिर की जाकू मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ रास्ते में क्या बोलते हैं लिखा हुआ है, हनुमान चालीसा लिखी हुई है। आगे हम बढ़ रहे हैं बजरंग बली के मंदिर की तरफ। तो देखो यार इधर, हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोग उजागर। फोटो दिखाओ माँ से चल वो मैं अपने ब्लॉग में डालूंगा। बोल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोग उजागर रामदूत अतिरिक्त बलदामा अंजनि पुत्र भवन सुत रामा रामदूत अतिरिक्त बलदामे। आगे क्या कर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आगे क्या है? आगे मैं तो पीछे तू। तो ये यहाँ पे आगे पार्क भी है, पार्क बाद में दिखाऊं। हाँ यार, तो यार यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है, यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, झूले वूले भी हैं। तो लोग यहाँ पे आते आए आए। तो ये मुझे लड़की बोल रही है आते साहब, बुलाओ बुलाओ एक बार। क्या आते ये ऊपर बजरंगबली की मूर्ति भी है, ये पार्क है यहाँ पे। तो ये है आगे बजरंगबली जी का मंदिर है जहाँ पे अभी हम आए हैं, और इसको जाकू मंदिर भी बोलते हैं, जाकू टेंपल। रास्ते में हमें थोड़े फॉरेनर्स भी मिल गए जो यहाँ आए थे घूमने। यहाँ पे भजन लगे हुए हैं, और देखो यार कितना रश आज बजरंगबली के मंदिर में, देखो कितना रश आज। और ये कुछ फॉरनर्स भी आए बजरंगबली के मंदिर में, देखो रश कितना ज़्यादा है आज। और यहाँ पे आप सामान सामून खरीद सकते हैं बजरंगबली के मंदिर में, जाकू टेंपल में। बाकी ये हमारे उस्ताद जी, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे सामान खरीद रहे हैं, और बाकी हमारा यहाँ गूगल पे नहीं चल रहा था, क्या करूँ क्या करूँ इसका क्या करूँ। तो उस्ताद जी इस दुकान पर आ गए थोड़ा सामान खरीदने के लिए। तो बाकी देखो हम कितनी बड़ी लाइन में लगे हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं अभी इतनी बड़ी लंबी लाइन में खड़ा हो चुका हूँ, तो अभी इस लाइन से अभी हम एंटर करेंगे इस पीछे बजरंग बली के मंदिर को। देख सकते हैं हम कैसे खड़े हैं यहाँ पे लाइन में। तो अभी हमने एंटर किया जाकू मंदिर को, एंटर
तुम्हारे कितनी लाइन। हम लंगर खा रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद अभी हमने यहाँ पे लंगर खाया और लंगर खाने के बाद थोड़ा बहुत ही हमने क्लिप्स उठाई यहाँ से, तो आप हमारी क्लिप्स देख सकते हैं। संडे के दिन जाकू में हर संडे को यहाँ लंगर लगता है। हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हो? हम हैं जाकू मंदिर में। तो बाकी ये थोड़ी बहुत ही जो क्लिप्स थी तो आप हमने आपके साथ ये शेयर की, फनी क्लिप्स जो आज हमने जाकू मंदिर में की तो आपके साथ हमने शेयर कर दिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन पीछे से दिखाना एक बार जरा।